हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लिप मोड के बारे में। आप अपने कंप्यूटर में दो टाइप से स्लिप मोड लगा सकते हैं, एक डिस्प्ले स्लिप मोड और एक होता है कंप्यूटर का स्लिप मोड। दोस्तों, आप इसको ऑटोमेटिक लगा सकते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। यहाँ पर लार्ज आइकन सिलेक्ट है। इसके बाद में हमें पावर ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन है, एक तो टर्न ऑफ डिस्प्ले, दूसरा है कंप्यूटर स्लिप। इन दोनों में से हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो एक ही विंडो ओपन होने वाली है। देखिए, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी एक ही विंडो ओपन होने वाली है। अभी सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टर्न ऑफ डिस्प्ले। यहाँ पे आप 1 मिनट 10 मिनट कुछ भी सिलेक्ट रखेंगे तो 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक आपका जो डिस्प्ले है वो स्लिप मोड पे चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है, नीचे जो कैबिनेट यानी पीसी, वो स्लिप मोड पे नहीं जाता है, इसमें वो ऑन रहेगा। बाकी सिर्फ आपका डिस्प्ले है जो वो ही बंद होगा, बाकी कुछ ऑफ नहीं होगा। दूसरा है कंप्यूटर स्लिप। अगर इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो 30 मिनट के बाद में आपका जो कंप्यूटर है उसके सीपीयू फैन, एसएमपीएस फैन सब बंद हो जाएंगे, कोई भी प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा, कैश मेमोरी भी डिलीट नहीं होगी। इस सेटिंग को जब किया जाता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी बचानी हो। दोस्तों, इन दोनों में यही अंतर है कि डिस्प्ले जब ऑफ रहेगा तो आप जैसे ही माउस हिलाएंगे तो आपको तुरंत डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और जब आप कंप्यूटर स्लिप मोड पे होगा तब आपका माउस हिलाने से ये ऑन नहीं होगा। आप अपने माउस से या कीबोर्ड दोनों में से किसी में भी कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय।